गुड मॉर्निंग आदाब स्टूडेंट। स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले स्टूडेंट आपको इसमें कुछ ऐसे बेसिक चीजें बताई गई थी कि जैसे उसके मतलब चेंज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या उसमें करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, क्या क्या उसमें सिम्बलिंग थी, क्या क्या उसमें बैलेंसिंग थी, क्या क्या उसमें चार्ज थे। तो आपको ये सारी चीजें आपको पहले इसमें बता दिया गया था। तो आज जो हम इसमें क्लास 10th की केमिस्ट्री में इसमें हम कुछ जो केमिकल होते हैं इसके क्या होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के क्या हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। तो इसको इस स्टेप्स को अगर आपको नहीं पता होता है तो आपको आगे चल के जब आप रिएक्शन में क्या करते हो, बैलेंस करते हो या उसको रिवर्स करते हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए, 4 स्टेप आपको पता होना चाहिए ताकि जब हम आगे केमिस्ट्री में इसके बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके हाई स्कूल लेवल में ये जो बैलेंसिंग होता है ये बैलेंस करने के लिए आपका आता है, या उसके मतलब मैच करने के लिए आता है। तो इस तरीके से आपको ये 4 स्टेप अगर नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसको हम समझते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें आपके ये 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? पहला जो स्टेप है चेंज इन कलर है, क्या है? चेंज इन कलर है। नेक्स्ट स्टेप है चेंज इन स्टेट है, क्या है? चेंज इन स्टेट है। और जो तीसरा स्टेप है चेंज इन टेम्परेचर है। और जो चौथा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये आपका 4 स्टेप्स होते हैं। अब इस 4 स्टेप्स को आप जैसे बैलेंस अप करते हो केमिस्ट्री में, तो उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, कई सारे ऐसे रिएक्टेंट आ जाते हैं जिसमें आपको नहीं पता होता, तो आप को समझ में नहीं आता कि ये कहां से कैसे हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें चेंज इन कलर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हम 9th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि उसमें एक एग्जांपल दिया है आपका कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स्ड करते हैं, जब इसको वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें से गैस प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? गैस प्रोड्यूस होती है। वो गैस कौन सी होती है? CO2 होती है। क्या होती है? CO2 होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गैस है ये कौन सा रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में मिक्स्ड करते हैं, क्या करते हैं? वाटर में मिक्स्ड करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये जल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। मीन्स ये जल के साथ जब क्रिया करेगा तो इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वो जब एक दूसरे से इससे ऐड हुए रहते हैं, रिएक्टेंट हुए रहते हैं, मीन्स ये जुड़ रहे होते हैं, तो ये जो आपके जल होते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके इसमें से एक कलर प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? एक कलर प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है कि उस कलर को हम क्या बोलते हैं, पर्पल कलर का होता है। क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये क्या, चेंज इन कलर बता रहा है कि भाई जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के साथ मिक्स्ड किए तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब रिएक्ट हो रहे थे तो उसका जो कलर है पानी का वो क्या हो गया, बदल गया, और उस कलर को हम क्या बोले, पर्पल कलर, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शन का चेंज इन कलर बताता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा होता है क्या होता है, इसमें गैस नहीं प्रोड्यूस होती, गैस में सॉरी बता दिया था। तो इसमें आपको यही याद करना है, दिमाग में रखना है कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के साथ मिक्स्ड करते हैं तो ये जो वाटर होते हैं, क्योंकि वाटर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल जब KNO4 के साथ क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करते हैं, तो इसके कलर को ये किस कलर में कर देते हैं, पर्पल कलर में। तो हम कह सकते हैं कौन से रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का चेंजिंग कलर हो गया, ओके। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब चेंज इन स्टेट क्या होती है, क्या होती है चेंज इन स्टेट? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कैंडल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कैंडल ले लीजिए, वो कैंडल क्या हो रही है, बर्न हो रही है, मीन्स जलती हुई कैंडल आपको लेना है। तो देखिए वो जो कैंडल थी, क्या थी, कैंडल थी जो आपकी, वो पहले क्या थी, सॉलिड रही होगी, क्या रही होगी, सॉलिड रही होगी। अब ये जब सॉलिड से इसके सब्सटेंस, सॉलिड जो है चेंज हो रहे हैं इसके सब्सटेंस, ठीक है, चेंज हुए, मतलब इसका जो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड मीन्स इस मीन्स का सब्सटेंस भी बोल सकते हैं आप, मीन्स ये जब क्या हुआ, सॉलिड से
इसकी स्टेट चेंज हुई किसमें, लिक्विड में। तो ये इसके सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, लिक्विड नहीं बोल सकते हैं। यू आर यहाँ पे समझ सकते हैं कि सॉलिड स्टेट थी पहले कैंडल, तो ये जल रही। अब ये जब जल रही होती है तो जलने के बाद फिर ये इसकी एक स्टेट आ जाती है, कौन सी स्टेट आ जाती है, गैसीय स्टेट। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो यहाँ पे हम समझ लिए कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड ना, तो यहाँ पे इसका जो स्टेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया। तो स्टूडेंट ये आपका चेंज इन स्टेट हो गया कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। तो एक स्टेट हो गई, ये क्या हो गई, स्टेट हो गई। आप देखिए कहीं कहीं यस लिखा होगा तो सॉलिड हो गया, ठीक है, कहीं कहीं यल लिखा हो गया लिक्विड हो गया। आपको इसके पहले इसमें बताया गया था जी है तो गैस हो गया ना, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। अब देखिए अब हम जो थर्ड पढ़ने चल रहे हैं, क्या पढ़ने चल रहे हैं, थर्ड जो पढ़ने चल रहे हैं वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो इसमें व्हाइट वॉशिंग करते हो, आप क्या करते हो हाई स्कूल में, आप इसको बेसिकली हम बताएंगे आपको। तो इसमें क्या होता है, इसका पूरा एक स्टेट होता है कि जो वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग करते हो आप, जो है चूना जो होती है आप क्या करते हो, पोताई करते हो घर में ना। तो इसमें क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, जब हम CaO को, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, इसमें क्या करते हैं, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, जल के साथ मिक्स्ड करते हैं, क्या करते हैं, जल के साथ मिक्स्ड करते हैं। अब ये पहले क्या रहा होगा, सॉलिड में रहा होगा, यहाँ यस लिखा दिए, क्या है, सॉलिड हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम क्विक लाइम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्विक लाइम क्या था, पहले सॉलिड था और ये क्या है आपका, लिक्विड में है, ठीक है। तो ये जो इसका टर्म, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये जो क्विक लाइम होता है ये जल के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है ये आपका बना लेता है COS2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये COS2 बनता है, प्लस यहाँ पे जैसे ही ये क्या करता है, देखोगे जैसे आप चूने को पानी में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, आप ऐसे उसमें से गैस निकलना प्रोड्यूस हो जाती है ना बहुत अधिक मात्रा में, तो इसमें हीट कह सकते हैं, हाई लेवल में हीट होती है, प्लस एनर्जी मीन्स यहाँ पे ऊर्जा हाई लेवल में, ठीक है, आप टेंड होती है। तो यहाँ पे जब CaO को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जल के साथ, तो ये क्विक लाइम होता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे ही ये जल के साथ रिएक्ट करता है ये बनाता है CaO और OS2, ठीक है। अब इसमें ये हीट मीन्स प्लस इसमें हीट एनर्जी हाई लेवल में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर हो रहा है, पहले क्या था, पहले नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल से फिर क्या हो गया, यहाँ पे हीट मीन्स हाई लेवल में जाकर के ये क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो चौथा स्टेप होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो होता है, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे कोई रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्शन ले रहे हैं, अगर उसमें कोई चेंजिंग हो रही, जैसे कि यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड को लिए जल के साथ, अब इसमें जो चेंजिंग हो रही है, जो इसमें बदलाव हो रहा है, उसी को ही हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पूरा आपका था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे हम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, आगे चलेंगे तो हम बैलेंस करेंगे या उसको रिवर्स करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ये आपको चार स्टेप आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या बताया गया, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसमें आपको बताया गया कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को जल के साथ रिएक्ट करते हैं, क्रिया करवाते हैं, तो यहां से जब ये जल जो होते हैं, जल में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करते हैं, तो इनका जो कलर होता है वो किस कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो सकता है। तो ये रिएक्शन जो हो गया, एक हम बता सकते हैं कि ये चेंज इन कलर, उसके कलर को क्या कर दिया, बदल दिया, ओके। अब चेंज इन स्टेट क्या होता है, चेंज इन स्टेट में आपको बताएगा, जैसे आप बर्निंग, आप कैंडल ले लीजिए, कैंडल को जब आप जलते हुए कैंडल को लेते हैं तो देखते हैं कि वो जो कैंडल होती है पहले सॉलिड स्टेट में होती है, किस में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है,
और जैसे ही वो क्या होती है, जलती रहती है जलती रहती है, तो लिक्विड जो सब्सटेंस होते हैं वो फिर चेंज हो जाते हैं किसमें, गैसीय अवस्था में, गैस में आ जाते हैं। तो देखिए फिर गैस से जब वो जल जाती है तो उसके कुछ इन्वर्ट क्या होते हैं, बच जाते हैं, तो उसमें सॉलिड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट बदल रही है केमिकल की, वो क्या, वो भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन की हो गई। तो बर्निंग आप जो कैंडल हो गया वो क्या हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, या लिक्विड टू गैसीय, गैसीय टू लिक्विड, इस तरीके से इसके जो है स्टेट में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। तो इस तरीके से आपको ये कौन से रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। और जो तीसरा बताया गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में क्या बताया गया, जैसे आप व्हाइट वॉश करवाते हो, तो व्हाइट वॉश में करवाते हो, जैसे मैं आपको इसमें एग्जाम्पल बताया कि जैसे हम CaO ले लें, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, हमने बताया जहां यस लिखा होता है क्या सॉलिड है, तो आप देखते भी हैं चूना जो होता है सॉलिड होता है ना, तो ये सॉलिड था। जैसे ही ये जल के साथ इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि जल लिक्विड होता है, तो ये जो क्विक लाइम जो होता है, जिसके आभुजा चूना जो होता है, जैसे ही जल के साथ क्रिया करता है ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जैसे ही ये जल के साथ क्रिया करता है, आप देखे होंगे इसमें से गैस निकलने लगती है, अगर उसमें आप हाथ अपना डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका जल भी सकता है, क्योंकि उसमें हाई लेवल में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो और वो जो ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है, पहले किसमें था, लो था, फिर जैसे ही वो जल के साथ रिएक्ट किया उसका टेम्परेचर बढ़ गया, क्लियर। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन आप प्रेसिपिटेट होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो चेंज हो रहे हैं, जैसे मतलब कोई जो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे ही वो क्या करते हैं किसी दूसरे प्रोटॉन, दूसरे मैटर के साथ वो रिएक्ट करते हैं, उसमें जो चेंजिंग होती है, जो उसमें बदलाव होता है, उसी को ही हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो स्टूडेंट ये पूरा आपका करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट इसको आप अभ्यास करिए, इसको दिमाग में आप समझ लीजिए, ताकि इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस टू केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो आपके लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 7-8 नंबर के आपके बोर्ड में आते हैं, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये आप इसका अभ्यास करिए, नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे बैलेंस के बारे में। तो स्टूडेंट अगर आप इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आप नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी जब मैं यहाँ से वीडियो डालूंगा तभी आपके पास जा सकेगा, अन्यथा नहीं जा पाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो। स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।